कोशिश कर रहा हूँ कि अंबेडकर साहब के ज़माने में क्या स्थिति थी। इसके लिए जो स्रोत का इस्तेमाल हमने किया है वो है अंबेडकर साहब की राइटिंग्स हिंदी वाली वॉल्यूम 39। उसमें 99 नंबर चैप्टर है और पेज नंबर 15-17 है, आप जाकर देखिएगा। और इस भाषण का, जो अंबेडकर का भाषण है, उसका संदर्भ यह है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद, उस एक्ट के हिसाब से पहली बार 1937 में जो प्रांतीय मंडल हैं, प्रोविंशियल असेंबली के लिए चुनाव हो रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया था और अपने पार्टी के सदस्यों के लिए प्रचार कर रहे थे। तो इसी प्रचार के सिलसिले में 25 जनवरी 1937 को अहमदनगर में उनका कार्यक्रम हुआ। जब वहाँ पहुँचे तो उनका अद्भुत और शानदार भव्य स्वागत किया। उस डिटेल से मैं नहीं जाऊँगा, स्वागत के डिटेल में सीधे उनके भाषण पर आता हूँ कि अहमदनगर में अपने जो कैंडिडेट थे उनका नाम था रोहम। रोहम के प्रचार के लिए अंबेडकर साहब ने क्या कहा था वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, आज की सभा में लोगों की यह अपार भीड़ और लोगों का अनलिमिटेड अपरिमित उत्साह देखकर मुझे आनंद आ रहा है। आप जानते हैं कि आज यह सभा रोहम के चुनाव प्रचार के संदर्भ में, अपनी पार्टी से जिन उम्मीदवारों को मैंने खड़ा किया है उसके प्रचार, उसका प्रचार करना, उसका मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस जिले के महार और मांग लोगों ने रोहम का विरोध नहीं किया, यह हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन चमार समाज उनके विरोध में है, लेकिन आप उनकी फिक्र ना करें, आप उनके उम्मीदवारों को अपना मत, अपना वोट ना दें। यह बात मैं आपसे खुलेआम कह रहा हूँ। अस्पृश्य वर्ग के लिए जो हक हमने पाए हैं उनका समूचे अस्पृश्य वर्ग में बंटवारा हो, यही सही बात है। लेकिन चमार समुदाय ने शुरू से कभी किसी काम में मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं जब सवर्ण हिंदुओं से और सरकार से झगड़ रहा था, तब इन लोगों ने पार्लियामेंट में तार भेजे कि अंबेडकर हमारे नेता नहीं हैं, इसलिए उनकी बातें ना मानी जाए। नासिक सत्याग्रह के